हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमेरिलिस लिली प्लांट के बारे में। इसकी पूरी प्लांट केयर कैसे की जाती है, इसमें फूल क्यों नहीं आते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ्लावरिंग हो रही है। और पहले जहाँ पे ये रखा था वहाँ पे 4 घंटे की धूप आती थी, लेकिन जब इसमें फ्लावर खिलना स्टार्ट हुए हैं तो मैंने इसको यहाँ पर रखा है जहाँ पर सिर्फ आधे घंटे की सुबह की ही धूप आती है थोड़ी सी, तो फ्लावर्स ज़्यादा दिन तक बने रहेंगे। कम से कम ये एक हफ़्ते से भी ज़्यादा एक फ्लावर हमारा चल जाएगा, तो ये अच्छा लगता है प्लांट पे। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात करेंगे। मिट्टी में वेल ड्रेन बनानी है, जिस तरह से हम हमेशा हर प्लांट के लिए बताते हैं। ज़्यादातर प्लांट की मिट्टी एक हिस्सा गार्डन सोइल, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा खाद। खाद कोई भी हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। उसमें थोड़ी सी नीम खली और थोड़ी सी लकड़ी की राख अगर आप चाहें तो मिला लें, क्योंकि बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। तो ये हमारी मिट्टी रेडी हो गई है। तो अब बात करेंगे कि बल्ब को लगाना कैसे है। जब आप बल्ब लेके आएंगे, 50-60 रुपये का एक बल्ब मिल जाएगा आपको। बल्ब जब भी लाएँ तो आप बड़ा बल्ब लेके आएँ, मैच्योर, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग होती है। ये देखिए मेरा 12 इंच का पॉट है और इसमें मैंने 3 बल्ब लगाए थे और आज इसमें 9 बल्ब हो गए हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो जब बल्ब आप जब भी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाएंगे बल्ब को। जब भी लगाएंगे तो जो उसका ऊपरी हिस्सा रहता है बल्ब का, वो मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा दिखना चाहिए, तब उसमें फ्लावरिंग आराम से होगी। तीसरी बात करेंगे कि इसको पानी कैसे देना है। तो पानी जिस तरह से सारे प्लांट्स को देते हैं उसी तरह से देंगे, जब मिट्टी सूख जाएगी तब देंगे, और अगर मॉर्निंग टाइम में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको खाद कैसे देनी है, तो खाद जब देंगे जब इसका फ्लावरिंग सीजन मतलब टाइम होगा, जिस तरह से फरवरी मार्च अप्रैल में ये फ्लावरिंग करता है, तो हम जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में हम इसमें खाद देंगे। और इस पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ कि फ्लावर्स क्यों नहीं आते हैं। तो जो फरवरी के स्टार्टिंग में मैंने इसमें खाद दी थी, तो वो 2 मुट्ठी मैंने, जिस तरह से मेरा 12 इंच का पॉट है तो इसमें मैंने 2 मुट्ठी भर के वर्मी कम्पोस्ट डाली थी। अगर आपके पास वर्मी कम्पोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, वो सबसे अच्छी रहती है। और इसके अलावा मैंने इसमें 1/2 चम्मच या 1 चम्मच आप लकड़ी की राख डाल सकते हैं, और 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था और थोड़ी सी नीम खली। बस ये चीज़ें आप डाल दें या इनमें से जो भी है आपके पास वो डाल दें, और अगर खाली वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो भी डाल दें, और लेकिन उसे जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में आप डाल दें, और बस फिर ये अच्छी सी फ्लावरिंग करेगा अगर मैच्योर बल्ब है तो। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके जो प्लांट ने अगर अच्छे से रेस्ट किया है तो ये फ्लावरिंग करेगा। अब इसको रेस्ट कैसे कराएंगे कि जब नवंबर आएगा तो इसकी सारी पत्तियां जो भी हैं ये सब हम काट देंगे, बस 1-1 इंच की छोड़ के, नीचे से 1 इंच छोड़ देंगे और पूरी पत्तियां हम कट कर देंगे, और इसको कहीं ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती हो, हल्की सी रोशनी आती हो बस। और इसको पानी भी नहीं देंगे, खाली महीने में 2 बार हम इसमें पानी देंगे, 2-2 हफ्ते में 1 बार, और तो ये इस तरह से रहेगा 2-3 महीने आराम कर लेगा ये। उसके बाद जनवरी में सारे प्लांट्स के साथ, जिस तरह से धूप में सारे प्लांट रखते हैं उसी तरह से इसको भी रख देंगे, और वहाँ पर जब न्यू लीव निकलने लगेंगे, जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तब हम इसे खाद दे देंगे। बस ये कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपके प्लांट पर भी हमेशा फ्लावरिंग होती रहेगी। और इस प्लांट को रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जिस पॉट में लगा है 3-4 साल तक उसी पॉट में रहने दीजिए, मल्टीप्लाई होता रहेगा। और जब इनके फ्लावर्स सूख जाया करें तो जो सबसे नीचे से इसकी स्टिक जो निकली रहती है वहीं से इसे कट कर देना चाहिए। बस ये थी इसकी कम्प्लीट केयर, और ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।